हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम की इस वीडियो में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। अब जैसा कि देख सकते हैं यहां पर एक कंपनी बनी हुई है और सवाल ये है कि एक तो F11 की होती है फंक्शन की, जिसको प्रेस करने से क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो F11 मैं की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही F11 की प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है ना कि ये चीज नो होती है, ठीक है, यहां से ये नो हो गई तो ये इस तरह से दिखेगा। तो घबराइए नहीं, यहां पर जाकर के इसको आप यस कर दीजिए तो ये वापस से वैसा ही दिखने लगेगा। अच्छा, शो ऑल फीचर्स, ये ऑप्शन कभी कभी नो हो जाता है, तो ये नो होगा तो क्या होगा, ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो आप इसको भी यस कर देंगे तो ये पूरा पूरा दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अब दिख रहा है। अब इसकी चर्चा करते हैं कि अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल और ये अदर्स, ये क्या है क्या। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है अकाउंटिंग, जब भी आप टैली स्टार्ट करते हैं तो मेंटेन अकाउंट्स, इसको यस करना होता है। और इनेबल बिल वाइज एंट्री भी यस कर देते हैं हम, मैं हमेशा इसको यस रखता हूं। अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जरूरत है तो आप इसे एक्टिवेट रखिए, यस रखिए, अदरवाइज आप इसको नो रखिए। और फिर इनेबल कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का उपयोग मैं बता चुका हूं कई बार, तो कॉस्ट सेंटर ऑप्शन की अगर जरूरत है तो इसको यस रखिए, अदरवाइज इसको नो रखिए। इन्वेंटरी में टोटल प्रोडक्ट्स की डिटेल आएगी, तो यहां से मेंटेन इन्वेंटरी को यस रखा, फिर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी इसको भी यस रखा, मल्टीपल प्राइस लेवल कभी कभी देना होता है तो इसको भी यस कर सकते हैं। दवाओं की दुकान पे काम करते हैं तो मेंटेन बैचेस इसको भी यस रखना होता है। एक्सपायरी वगैरह देना हो तो ये एक्सपायरी डेट और बैचेस इसको इनेबल कर लीजिए। इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये एक ऑप्शन है, अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। कॉस्ट ट्रैकिंग को इनेबल कर सकते हैं, यहां पर जॉब कॉस्टिंग को भी इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यूज डिस्काउंट कॉलम्स इन इनवॉइस, इसको अगर यस करते हैं तो डिस्काउंट का कॉलम आपको बिल में दिखने लगेगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये है यूज सेपरेट एंड एक्चुअल। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि दो बिल बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्राइस है 55 रुपए की, ठीक है, प्राइस कितनी है 55 रुपए की और उस पर दिया हुआ है हमने 55 रुपए की जगह उस पर दिखाया कितना 65 रुपए, और भले ही हम 55 रुपए में दें लेकिन दिखाने के लिए 65 रुपए हम दिखा देते हैं। तो ऐसा अगर करना हो बिल पर तो यहां से यस कर सकते हैं। टैक्सेशन के सारे ऑप्शन जैसे कि देख सकते हैं, जीएसटी है, टीडीएस है, टीसीएस है, वैट है और एक्साइज है और सर्विस टैक्स है, तो इन सबको इनेबल करना चाहते हो तो यहां से इनेबल करने की फैसिलिटी मिल जाती है। टैली को ऑनलाइन भी एक्सेस किया जा सकता है, तो ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। आपके पास जरूरी है कि टैली का जो पेड वर्जन है वो होना चाहिए। पेरोल अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पेरोल के अंदर सैलरी की तमाम डिटेल्स आती हैं, तो सैलरी वगैरह की शीट बनाने के लिए, जैसे सैलरी शीट होती है तो उस पर TA DA, ठीक है, HRA, ये सब सारी डिटेल होती है और बेसिक सैलरी वगैरह का डिटेल भी होता है, तो ये पेरोल से एक्टिवेट करके और कर सकते हैं। फिर अदर्स में दिया हुआ है इनेबल मल्टीपल एड्रेस मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स, तो इन दोनों ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हैं। कभी कभी किसी कंडीशन में आपको जरूरत पड़ जाए कि आपको मल्टीपल एड्रेस की जरूरत पड़े तो उस कंडीशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से ये शॉर्टकट डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन किस लिए प्रयोग होता है, ठीक है। टीडीएस, टीसीएस और वैट, ये सारी चीजें एक्टिवेट करना मैं पहले सिखा चुका हूं। इन्वेंटरी के सारे एक्टिवेट करना और इनका यूज करना भी सिखा चुका हूं। पेरोल भी एक्टिवेट करना सिखा चुका हूं। मल्टीपल एड्रेस, ये सारी चीजें पहले सिखा चुका हूं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी बता चुका हूं। तो इस वीडियो में सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया कि किस चीज, कौन सा ऑप्शन किस चीज के लिए किया जाएगा, मतलब इसका उपयोग क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।